ये गाइस हाय, आज इस वीडियो में आप लोगों को टू फेस लाइनर अप्लाई करना बताऊंगी और उससे बहुत ही इसी ट्रिक के साथ। दोनों में बस 19 पीस का फ़र्क है। इस ट्रिक से आप विंग लाइनर भी क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइस के आउटर कॉर्नर पर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर ऊपर की ओर आपको 4 डॉट बनाने हैं। इसके बाद तो उसके बाजू से स्ट्रेट में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर आपको 4 डॉट बनाने हैं। इसके बाद अगेन आपको ट्रायंगल शेप में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर 4 डॉट बनाना है। इसके बाद अगेन आपको आईलेट के इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर डॉट्स बनाने हैं। इसके बाद आपको अगेन लोअर वाटर लाइन के आउटर कॉर्नर से ट्रायंगल शेप में हाफ तक थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर डॉट्स बनाने हैं। देन आपको डॉट्स को आपस में ज्वाइंट करना है। गाइस, यहाँ पर मैंने लैक्मे इंस्टा आईलाइनर का यूज़ किया है क्योंकि इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है। जो लोग मेकअप में बिगनर हैं या जिन्हें लाइनर अप्लाई करना नहीं आता, सो वो इस लाइनर के साथ ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेटर बहुत स्मूथली रन करता है और इसके साथ हाथों में कंट्रोलिंग बहुत अच्छी रहती है। अब डॉट्स को जॉइंट करने के बाद इसे फिल करना है। फिल करने के लिए आप एप्लीकेटर में जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे रिमूव कर दें और थोड़े से प्रोडक्ट के साथ ही इसे फिल करें। अगर आपके एप्लीकेटर में ज़्यादा प्रोडक्ट है और आप उसे रिमूव नहीं करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ आप लाइनर अप्लाई करते हैं तो आपका लाइनर स्मज हो जाएगा। इसलिए जो भी एप्लीकेटर में ज़्यादा प्रोडक्ट है पहले आप उसे रिमूव कर लें। फिश लाइनर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमने जो डॉट्स बनाए थे उसे हाइड करते हुए आपको फिश लाइनर को शार्प लुक देना है। अब हाफ वाटर लोअर लाइन पर काजल अप्लाई करना है एंड इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं सो इस ट्रिक के साथ आप फर्स्ट टाइम ही फिश लाइनर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। एंड या दिस इज़ माई फर्स्ट लुक। अब सेकंड लुक के लिए लोअर वाटर लाइन के इनर कॉर्नर से हाफ तक थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर डॉट्स बनाने हैं एंड इसे ज्वाइंट करते हुए फिल करना है। देन लोअर वाटर लाइन पर काजल अप्लाई करना है। ओनली 1 मिनट में आप कैसे परफेक्ट विंग लाइनर अप्लाई कर सकते हैं विथ ट्रिक, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। एंड या दिस इज़ माई सेकेंड लुक।